आगरा में एक मुस्लिम लड़की की शादी की जाती है। शादी बीते वर्ष 5 मार्च को होती है, लेकिन लड़की और उसके परिवारजनों के मुताबिक लड़के के परिवार वाले दहेज में बुलेट न मिलने के कारण लड़की को मायके भेज देते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की के लगातार मायके में रहने के कारण उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और आज उसकी मौत हो जाती है। लड़की और उसका परिवार इस मौत के लिए लड़की के ससुराल वालों को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है लड़की और उसके परिवारजनों का, देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। 22 मार्च बीते पिछले साल 22 जो 2022 में 5 मार्च में एक मंतिसा नाम की लड़की की शादी की जाती है, जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, और अरबाज नाम के एक लड़के से, लोहा मंडी के रहने वाले तेलीपाड़े से शादी होती है। काफ़ी लोग उसमें शामिल होते हैं, 800-900 लोगों का खाना होता है। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी होती है, बिगड़ दहेज से। दहेज का कोई इसमें बात नहीं हुई थी, ना कोई मांग रखी गई थी। खुशी खुशी परिवार, दोनों परिवार शादी करते हैं। शादी के 4 दिन बाद, यानी कि जो बलीमा होता है, उसमें लड़की को उसके घर छोड़ा जाता है और उससे कहा जाता है कि हम तेरे को ले जाएंगे। उसके बाद जब लड़की के पक्ष वालों की तरफ से कहा जाता है कि लड़की को ले जाइए, तो कहते हैं कि अब हमें लड़की नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, और अब हमें चाहिए दहेज। दहेज में गाड़ी की मांग रखते हैं, कुछ पैसों की भी मांग रखते हैं, ये लड़की द्वारा बताया जाता है। और काफ़ी समय उनसे गुजारिश की जाती है कि बेटी को ले जाइए, काफ़ी समझौते के लिए वहाँ जाके बात करी जाती है, लेकिन परिवार की तरफ से, लड़के पक्ष की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं करी जाती है। और सिर्फ लड़की पक्ष से ये कहा जाता है, जब पैसे लेके आप आ जाएंगे, आपके पापा पैसे लेके आएंगे, तब भी हम आपको रखेंगे। ये मामला लक्ष्मी नगर का है, आगरा में जगदीशपुरा थाना के अंतर्गत आता है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ सर बहुत बड़ा धोखा हुआ, और ससुराल वालों ने बड़ी ज्यादती करी है मेरे साथ, और उसी की टेंशन ली है। मेरी अम्मी ने आज ये दिन देखने को मिला हमें, तो बहुत परेशान करते थे, हमेशा बस पैसों की डिमांड करते रहते थे। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 साल हो गई। 1 साल में आप कितने दिन अपने ससुराल रही? 1 महीने भी ढंग से नहीं रही। कितने दिन रही है लगभग? कम से कम 5-6 दिन बस। यानी कि आपकी शादी हुई, उसके बाद जो बलीमा हुआ है आपको छोड़ दिया? बलीमे के बाद कहा था कि ये हमारी शादी हमारे मन मुताबिक नहीं हुई है, और यहाँ पैसे लेके आइयो जब हमारे घर पे आइयो। बारह बीड़ी करते थे आपके साथ में? हाँ। कौन कौन करता था? सास, अरवाज, और वो भी था मेरा ससुर। उल्टी सीधी बातें करना कि हमारी ये शादी हमारे मन मुताबिक नहीं हुई है, परेशान करते थे, पैसे पैसे लेके, अपने पापा से पैसे लेके, जब दो पैसे पैसे करते थे। तुम्हारे पापा पैसे क्यों नहीं दे पाए भाई? वो गरीब परिवार है उनका, वो खुद अपने बच्चों का ऐसे पालन पोषण कर रहे हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं हम। पति का नाम क्या है आपके? अरवाज। अरवाज, आपकी माँ को क्या हो गया? ये उन्होंने टेंशन ले ली थी मेरी। आपकी टेंशन ले ली थी? क्या बहने हो आप? मैं एक ही हूँ, दो भाई हैं मेरे। दो भाई हैं, सबसे बड़ी आप ही हो? जी। माँ आपकी खत्म हो गई आज? हाँ। कभी परिवार वालों ने आपकी मतलब कोई भी हालचाल लेने की कोशिश नहीं करी? नहीं करी। कह रहे हमारे यहाँ तो हमारे लड़के के रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, पर हमने तेरी सीधी सच्ची देख के तो हमने रिश्ता कर लिया, और तुम लोगों ने और ज़्यादा वो समझ लिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, ये शादी हमारे मन मुताबिक नहीं हुई है। और सब चीज़ देने के बावजूद भी शादी की यही बात करते थे कि शादी मन मुताबिक नहीं हुई। शादी में कितने लोगों का खाना पीना था? कम से कम कितना था पापा? हाँ ऐसे ही थे, 8-9 आदमी शादी में मौजूद थे। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उनकी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई आज। उनकी तरफ से अभी आपने इत्तला करी हो ना कि ऐसा हो गया आपके यहाँ? नहीं। उनको मालूम नहीं है? पता नहीं, वो भी शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखना आप सर, इधर देखना, ठीक है? क्या नाम है आपका? बैदो। बैदो। ये क्या मैटर हुआ है आपका? शादी करी थी लड़की 5 मार्च को, 5 मार्च शादी करके लड़की की फोन आया था मेरे भाई पापा, ऐसी ऐसी बात है, कहा था बेटा कि ऐसे ऐसे कह रहे थे वो कि गाड़ी और 50,000 रुपये की डिमांड रखी थी आई से। कितना टाइम होगा शादी को? 1 साल हो जाएगी 5 मार्च को। 1 साल हो जाएगी 5 मार्च। डिमांड गाड़ी की थी? गाड़ी की डिमांड थी। गाड़ी की डिमांड आप पूरी नहीं कर पाई? गाड़ी की डिमांड। बेटी कितने दिन ससुराल में रही आपके? 4 दिन, 5वें दिन तो यहाँ आ गई है।
कोई प्रसाद नहीं करा, ना कोई आया, ना कोई खबर। आप लोगों ने बातचीत करी उन लोगों से? बातचीत करने गए थे, वहाँ हमसे झगड़ा हुआ था, मारपीट में नौबत आ गई थी, आई थी, हमने उनसे टाइम मांगा था, टाइम के अनुसार व्यवस्था बना देते हैं, वो चले गए यहाँ से छूट जाओ। आपकी घरवाली क्या हुआ, ये क्या हुआ आपकी? जी दिमाग की टेंशन थी, जी टेंशन में डाली थी लड़की की, कोई बीमारी नहीं है, टेंशन है बस खाली। आज क्या हो गया? जी हो गया, वो दुनिया में नहीं रही। आज कितने दिन में अलग चला इनका? करीब 2 महीने से अलग चल रहा है। परिवार के बड़े लोगों से किसी से बात करने की आपने कोशिश नहीं की? करी थी हमने, उनके भाइयों से बात करी थी, जाकिर से, साकिर से, जिनसे भी हमारी जी बात हुई थी, उन्होंने कह रहे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चले जाओ और तुम डिमांड पूरी कर देंगे तो वो रख लेंगे। अच्छा, बच्ची का सामान कहाँ पर है इसका? बच्ची का सामान ससुराल में ही, सब सब सामान भेज दिया, तहकीकात करी थी, सामान भी भेज दिया, इनने ताला डाल दिया उसमें, मकान छोड़ के चले गए। वो लड़के का क्या नाम है? सारा सामान भेज दिया, कुछ भी नहीं है, पता करा था हमने, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, खाली बेड वगैरह रह गया, रेलगाड़ी रह गई है, जेवर वगैरह दिया था, नहीं है, सब बीनी के पास है। लड़के से जिससे निकाह किया आपने उसका नाम क्या? अरबाज। और उसके फादर का नाम क्या है? पप्पू। सब कहाँ के निवासी हैं जी? लोहमंडी तिलीपाड़ा। लोहमंडी तिलीपाड़ा। बेटी का नाम क्या आपकी? मंतसा। क्या साल की है लड़की? पूरी 20 साल की हो गई मेरी। आप कौन है लड़की के? लड़की के फूफा हैं। अच्छा, ये जो लड़की बता रही है कि मुझे शादी के 4 दिन बाद घर से निकाल दिया जाता है, ये सच्चाई कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या वजह रही है लड़की के निकालने की? निकालने की वजह यही है कि लड़की की शादी से पहले उनकी कुछ डिमांड अंदरूनी रही है, बोल नहीं पाते थे, इन्होंने मतलब उसके लड़की के पाप को सेट करके पूरी तरीके से अंदरूनी, और कह के उनसे के मतलब आगे हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे करेंगे, जो भी कुछ है अपने गरीबी के हिसाब जैसे चाहो वैसे शादी कर लो। उसने हमें तक नहीं बताया, उसने मतलब जैसा भी चाह इधर उधर से कर्जा कर करा के काफ़ी मतलब जो पैसा खर्च कर दिया, और कम से कम 700-800 आदमियों का भी खाना कराया उसने, लिया दिया भी है कुछ, गाड़ी भी मतलब दी उसने, लेकिन गाड़ी उसने उसी के नाम कर दी, ना अपना उसने 1 रुपया नहीं दिखाया, मतलब वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, और उससे संतुष्ट नहीं है, उसकी मांग उसकी बढ़ती चली गई, उसने गाड़ी के एडवांस वगैरह भी करवाया था उसमें और दे दिया उसने, मतलब रोका नहीं आदमी ने अपने दी लिए। अब क्या चाह रहे थे वो? आप उसके बाद आपने बात नहीं करी? उसने बात करी सब मतलब सामान भेजवाज के लड़की को, मतलब जो है कि 2-4 दिन रखने के बाद वो सब भग गया, निकल गया। वो लोग फरार हैं यहाँ से? फरार हैं, वो कोई मतलब न्याय है नहीं, समाज बिरादर के सब उनके परिवार वालों को सबको मालूम है कि वो कहाँ कहाँ नहीं है, लेकिन पता कोई नहीं रहा है।